जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, क्योंकि मेरा YouTube पे 100 सब्सक्राइबर प्लस हो गया, मतलब 115 के आसपास सब्सक्राइबर है। तो इसके लिए दो जो उसमें एनेबल दो सेटिंग जो एनेबल हुआ है मेरे लिए, मतलब कि पीछे से जो YouTube सब्सक्राइबर इतना होने के बाद कुछ उसने नोटिफिकेशन देता है, और नोटिफिकेशन हिसाब से कोई सेटिंग को ओपन करना पड़ता है, तो वो मैंने ओपन कर लिया हूँ। हमारे बैनर बन चुका है इस पर, और अब मैं किसी को अगर मैं अपना YouTube चैनल का लिंक भेजता हूँ तो मेरा प्रॉपर कुमार फैमिली ऑफिशियल नाम से लिंक आपके आप तो पहले जैसे मैं कोई भी लिंक भेजता था तो वो सिर्फ मतलब कि एक मेरा फ़ोटो जाता था, मेरा वीडियो जाता था और नाम नहीं आता था कोई, लेकिन अब पार्टिकुलर कुमार फैमिली नाम से भी जाएगा और मेरा वीडियो और लोगों के साथ जाएगा। तो दोस्तों एक ये मतलब कि अचीवमेंट हुआ है। अभी दोस्तों नया चैनल है, नया ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा कोई खास वीडियो भी नहीं डाला हूँ वैसे वीडियो, चूँकि इसलिए वीडियो बनाना भी पड़ गया दोस्तों कि दिन में 10 कस्टमर आते हैं, 10 कस्टमर के लिए मुझे टाइल्स बार बार दिखाना पड़ता, तो अब जो भी आते हैं तो मैं उसको अपना यूट्यूब चैनल का लिंक देता हूँ, बैठ करके देख लेते हैं, और बहुत टाइम काफ़ी बचत होता है दोस्तों, और मैं दूसरा काम भी कर लेता हूँ तब तक वो वीडियो देख करके ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए है, और आप सबका दिल से धन्यवाद कि आपने मतलब कि यहाँ तक मुझे पहुँचाए, ठीक है, आगे और भी बढ़ेंगे बहुत सारा, ठीक है, ऐसा ही प्यार आप बना के रखें। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एलिवेशन टाइल के बारे में। फ्रंट पे जब हम टाइल लगाते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है बिल्डिंग में फ्रंट का टाइल, क्योंकि उससे आपकी पूरा बिल्डिंग का लुक का एक नया और अच्छा देखने के लिए आप अपने हिसाब से बेस्ट टाइल खरीदने का मतलब कि मन बनाते हैं कि फ्रंट का टाइल बढ़िया होना चाहिए। तो कुछ हम डिज़ाइन दिखाता हूँ दोस्तों, तो आइए हम दिखाते हैं दोस्तों, वेलकम। तो सबसे पहले मैं आपको ये लुक दिखाता हूँ, आपको ये साइज़ देख लीजिए जो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा चलन में है। ये आपकी 8 इंच है साइज़, और ये आपके 24 इंची है, मतलब कि 8 इंचेज़ बाई 24 इंची, मतलब 8 इंची आपकी चौड़ाई है और 24 इंची ये लंबाई है। तो दोस्तों ये इसमें डार्क और लाइट की कॉम्बिनेशन में बना, जैसे हम घर बनाते हैं तो जो हमारा घर जो बनता है, जो मतलब कि एरिया बॉर्डर साइज़ का होता है, उस बॉर्डर साइज़ में क्या करते हैं हम ये डार्क टाइल को लगाते हैं, और इसी में जो लाइट टाइल होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, जो इसमें लाइट टाइल होता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए ये लाइट है इसी का सेम टू सेम, जो बॉर्डर एरिया होता है ये बॉर्डर एरिया हो गया, जैसे आपको बॉर्डर एरिया पर आप देते हैं तो ये बॉर्डर एरिया पर लगा दीजिए, और इसी सेम नट जो नंबर आपका जैसे इसमें लिखा 284 का डार्क नंबर टाइल का नंबर है, 284 का डार्क और ये 284 का लाइट, तो 284 का टाइल का नंबर है दोस्तों, ये हर दुकान पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर का भी अलग कंपनी का होगा उसका नंबर अलग होगा, तो ऐसा नहीं किसी दुकान पर जाके यही चीज़ कहेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा चीज़ को। आप उसके यहाँ डिजाइन देखिए, उसका नंबर लीजिए, उसी सेम नंबर का दूसरा बोले कि हाँ इसका लाइट दिखाइए, अगर अंदर के साइड होता है तो उस साइड में आप लाइट लगाएंगे सेम नंबर का, तो देखने में लुक दोनों का एक कंपोजिशन सही बनता है। तो ये आपके डार्क हो गया और ये लाइट हो गया, बॉर्डर एरिया में आप ये चारों साइड से लगा देंगे, ठीक है ना, और अंदर के एरिया में ये लगा देंगे लाइट, तो आपको देखने में लुक बहुत मतलब कोठी टाइप का लगेगा, काफ़ी अच्छा। मैं आपको सामने मेरे शोरूम के बिल्कुल एक सामने है बना हुआ कोठी है, मैं उसको अभी इस वीडियो में थोड़ा सा साइड में मैं ऐड कर देता हूँ, आप ये देख लीजिए, हाँ ये देखिए जैसे इसे बना हुआ है, तो ये आपके देखिए बगल में इस साइड में है, ये लुक चल रही है, ठीक है ना, तो इसके बॉर्डर साइड में आपके डार्क है और अंदर साइड में लाइट है, तो ऐसा लुक लगाएंगे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपको नेक्स्ट साइज दिखाते हैं, दूसरा साइज देखिए, ये आपके 8x24 का था, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी में 10x20 के साइज़ में, ठीक है ना, इसमें भी सेम टू सेम 10x20 के साइज़ है, ये रस्टिक है, मैं देखिए इसके लुक देखने में ऐसा लगेगा देखने में, ये डार्क है, ये अलग दो तरह के टाइल है दोस्तों, ठीक है ना, ये दो तरह के टाइल, मैं आपको दोनों टाइल अलग 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 टाइल है, ठीक है ना, ये एक डार्क टाइल है, इसी तरह सेम आप बॉर्डर एरिया में आप ये लगा दीजिए और उसके अंदर वाला एरिया है उसमें डार्क टाइल लाइट लगाइए, तो ये आपके अलग टेक्चर में होगा। इसमें बहुत सारे डिजाइन मैं आपको बाकी वहाँ से दिखा दूंगा, ठीक है ना, तो ये आपके 10 इंची ऊंचाई है और ये 20 इंची चौड़ाई है, इसमें आपके 7 स्क्वायर फुट माल होगा अप्रोक्स, इसका जो कॉस्ट होता है ये 200 से लेकर के 230 रुपये तक का होता है, ये आपके लोकेशन पर होता है, जैसे आप कहीं दूर वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, जो भी गुजरात से जितना डिस्टेंस है
क्योंकि सारे टायर दोस्तों गुजरात में बनते हैं और गुजरात से जितना डिस्टेंस है वहाँ के हिसाब से कॉस्टिंग का फ़र्क पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का, और ये ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से इसके कॉस्ट बढ़ता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको 200 रुपये के बेचता हूँ, अगर इसी को वेस्ट बंगाल में कोई बेचता होगा दुकानदार तो वो 240 रुपये के बेचता होगा, 30-40-50 रुपये के लगभग ये वेरिएशन आता है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये 10x20 की साइज़ का है। ठीक है, डिज़ाइन इसमें मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखा देता हूँ। इसका एलिवेशन का डिज़ाइन है, देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है। ठीक है, ये आपके ईट चाल में है, 3D टाइप का पैटर्न है, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है देखने में। इसकी ग्लोसी टाइल है सब ये। ठीक है ना, ये देखिए ये आपके एस शेप में बना हुआ डार्क और लाइट कॉम्बिनेशन आपस में मर्ज किया हुआ है इसमें। ठीक है, जब एक टाइल दूसरे टाइल से जुड़ता आगे तो एक लाइनिंग सा बनता जाता है। ठीक है, और ये देखिए ये 3D में है। ठीक है ना, फ्रंट का जो कोई सिंगल कलर लगाना चाहता है उसके लिए ये है, बाकी मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया कि उसमें आप डार्क लाइट अलग अलग लगा सकते हैं। ये आपके देखिए न्यू लुक टाइप का है ये, और इसके ऊपर ग्लोसी, इसमें मैट भी मिल जाता है, ग्लोसी भी मिल जाएगा, ये ग्लोसी है। ठीक है, ग्लोसी लगाने का क्या होता है दोस्तों, उस पर डस्टिंग जमती नहीं, क्योंकि बाहर का जो एरिया होता है ना वो ग्लोसी ज़्यादा लोग पसंद इसलिए करता है, जैसे जहाँ पर देखिए सेक्टर या ठीक ठाक जिसका फ्रंट है वहाँ तो मतलब कि लोग वुडन लगा लेते हैं और वुडन का थोड़ा सा मेंटेनेंस होता है। ठीक है ना, बाकी ग्लोसी टाइल इजी से साफ धुलकन हो जाता है, हल्का सा वॉशेबल, कभी बारिश वारिश में पानी भी पड़ जाता है तो उसके हिसाब से अपने आप ही ये वॉश हो जाता है। ग्लोसी टाइल का लगाने का ये फ़ायदा है दोस्तों। ग्लोसी टाइल में बहुत सारे डिज़ाइन है। ठीक है ना, मैट में भी बहुत सारे डिज़ाइन है, बाकी ग्लोसी टाइल में ज़्यादातर ग्लोसी चलता है। यहाँ पे ये देखिए ये मुजेक पैटर्न है, एक टाइम में आपको बहुत चल रहा था मुजेक पैटर्न। ठीक है ना, और इसकी लुक इस तरह से आएगा। ठीक है, और ये आपका 3D डिज़ाइन है, 3D में मतलब कि जो टाइल्स लगेगा देखने में ऊपर नीचे लगेगा देखने में 3D टाइप का डिज़ाइन। ठीक है, उसका लुक देख लीजिए। ये साइज़ आपके 10x20 इंच का है जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था, 7 स्क्वायर फुट माल होता है और रेट भी मैंने बताया था। ठीक है ना, ये देखिए ये न्यू टाइल का टाइल तरह के टाइल है, स्टोन लुक और ग्लोसी है, ये भी सब लुक अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है ग्लोसी में, और डार्क लाइट का भी कॉम्बिनेशन है तो देखने में लुक काफ़ी सुंदर लगता है। ठीक है, और ये टाइल आपको दिखाया था मैं, अलग अलग करके लगा सकते हैं बॉर्डर पे डार्क ग्लोसी में और ये लाइट। अब देखिए आपको नेक्स्ट टाइल दिखा देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा टाइल बिकता है नेक्स्ट साइज में वो मैं दिखा देता हूँ, बाकी जो डिज़ाइन है वो तो मैं आपके स्टूडियो पे कुछ डिज़ाइन कंपाइल करके दिखा दूंगा। ये देखिए ये 12-18 टाइल, ये एक ही टाइल के ऊपर दोनों वुडन भी है और लाइट भी है। आप इसको लगाएंगे तो एक पैटर्न वुडन का चलेगा, दूसरा पैटर्न लाइट का चलेगा, मतलब टाइल एक ही चलेगा लेकिन जो लुक आएगा देखने में वो आपको एक डार्क का लगेगा दूसरा लाइट का लगेगा। ये आपके 12 इंची साइज है और ये 18 इंची है, इसमें आपका 9 स्क्वायर फुट है माल मिलेगा। इसका रेट अभी प्रेजेंट जो है, चूँकि देखो दोस्तों ये अभी रेट फ्लक्चुएशन होता है, ऐसा नहीं कि मैं जो आज आपको बोल दूंगा ये आप 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, क्या पता इसका कीमत कम हो सकता है, क्या पता इसका कीमत ज़्यादा हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट का हिसाब चलता है। अभी फ़िलहाल जो रेट है 210 रुपये से लेकर 250-300 रुपये तक का रेट है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वालिटी, कुछ कंपनी, कुछ वाटरप्रूफ टाइल होगा तो इस पे भी रेट डिपेंड करता है दोस्तों। रेट तो अभी करंट में बता रहा हूँ, बाकी टाइम के हिसाब से रेट चेंज होते रहता है। तो ये 12-18 का ये डार्क में है, ये लाइट में है, चाहे तो आप बॉर्डर डार्क का लगाएंगे, लाइट आपको अंदर साइज में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये ग्लोसी टाइल है, देख लीजिए इस तरह के लुक है इसकी। ठीक है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ग्लोसी, ये भी साइज 12-18 का। एक इस तरह की टाइल्स देखिए दोस्तों, एक टाइम था कि इस तरह की टाइल बहुत चलता था। ठीक है ना, स्टोन लुक बोलते हैं इसे, और इसे छोटे छोटे मार्बल के दाने ऐसे लग रहा कि जड़ा हुआ है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद तक वीडियो को शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।